हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है एक सीरीज, चैनल सीरीज का नाम है एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और उस लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन पे हम पहुँच चुके हैं क्लास सिक्स का चैप्टर, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और ये चैप्टर जो है वो जियोग्राफी का है। ठीक है, तो काइंडली रिमेंबर, जियोग्राफी के स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, जिनको एनसीईआरटी से पढ़ना है लाइन बाई लाइन, वो उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर का नाम क्या है कि भाई अर्थ और सोलर सिस्टम, इसी के ऊपर चैप्टर है बेटा पूरा। अर्थ क्या है? अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है, और प्लेनेट और सोलर सिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पर अर्थ लोकेट करती है ना। अब आओ जरा, तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं? सैटर्न, अर्थ, मार्स, वीनस, यूरेनस, मर्क्यूरी, जुपिटर और नेपच्यून। ठीक है, वैसे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, पर कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो, हाउ वंडरफुल इट इज, लिखा है हाउ वंडरफुल इज इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर आर डिम। लिखा है कि जब सनसेट हो जाता है, जब सूरज डूब जाता है, तो कितना मतलब बढ़िया सा माहौल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं उनके आने का टाइम हो जाता है ना। तो पहले एक आता है, फिर दो आता है, फिर उसकी जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और वो नंबर्स इतने ज़्यादा इंक्रीज होते हैं कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको काउंट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स, और ऐसा लगता है जो हमारा आसमान है वो पूरी तरीके से डायमंड से फिल हो चुका है। ठीक है, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल ट्विंकल एज अदर्स डू, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइंस। उनमें से कुछ जो स्टार्स है, उनमें से कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्विंकल करते हैं, कुछ जो है वो ट्विंकल नहीं करते, सिंपली ग्लो करते हैं, जैसे कि हमारे चांद ग्लो करता है। ठीक है, तो आगे लिखा है कि अलोंग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि अमावस्या, तुमने एक दिन सुना होगा अमावस्या, जिसके दिन चांद जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यू मून डे। क्या बोलते हैं? न्यू मून डे। ठीक है, अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून और ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड अ डिफरेंट पोजिशन। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, इट इज कॉल्ड अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो देखो, लिखा गया है कि जो चांद को हम महीने में अलग अलग दिन पर अलग अलग आकार में देखते हैं। तो तुमने कभी कभी देखा हो कि यार आज चांद का आकार ऐसा है, कल थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो एक दिन पूरा हो गया, पूरा पूरा मतलब पूरा गोल गोल सा चांद आ गया, हमारे चंदा मामा गोल हो गए एकदम। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चांद का आकार है वो समय के साथ साथ बदलता जाता है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन पर जो चांद है वो पूरी तरीके से गोल दिखाई देता है, चांद जो है वो पूरी तरीके से हमें क्या दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो फुल मून नाइट होता है उस दिन, फुल मून नाइट होता है, इसलिए चांद है पूरी तरीके से गोल दिखाई देता है, है ना। अब जब कुछ दिन उसके 15 दिन बाद, कुछ दिन नहीं, अब पूर्णिमा के 15 दिन बाद तुम देखोगे तो चांद जो है वो बिल्कुल तरीके पूरी तरीके से जो है वो गायब हो चुका है, और सिर्फ स्टार से स्टार जो है वो हमारे स्काई में आपको विजिबल है ना। तो लिखा है फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, सो वी नो इन इंडिया एज अमावस्या, लेकिन इसको इंग्लिश में या फिर ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं न्यू मून डे। तो न्यू मून डे की बोलते हैं क्योंकि इस दिन से चांद जो है वो फिर से अपना रूप, फिर से अपना शेप लेना चालू करता है। ठीक है, तो लिखा है ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट एज अ क्लियर नाइट।
इस दिन हम लोग जो स्काई है उसको बहुत प्यारे तरीके से देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि उस दिन सिर्फ स्टार्स रह जाते हैं स्काई में और जो मून है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो सुबह होती है, रात के बारे में पढ़ लिया कि फुल मून को पूर्णिमा बोलते हैं, फुल मून के दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। उसके बाद अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन जो चांद है वो दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उस दिन वो न्यू मून नाइट होती है, ठीक है। न्यू मून नाइट की वजह से उस दिन से चांद का जो रूप है, चांद का जो चेहरा है वो फिर से बनने लगता है, ठीक है। ठीक है, जो शेप है एक्चुअल द एक्चुअल शेप ऑफ मून होता है वो फिर से रिक्रिएट होने लगता है जैसे वो पहले था। मतलब फुल मून नाइट के दिन जैसा वो मून था उसी दिन उसी तरीके से फिर से बनना चालू हो जाएगा। एंड आफ्टर फोर्थ नाइट हम देखेंगे कि जो मून है वो फिर से कोल हो चुका है। इट मीन्स जो उस दिन पूर्णिमा का दिन है, मतलब उस दिन पूर्णिमा है, सॉरी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, लिखा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग सुबह में देख पाते हैं लेकिन शाम में नहीं देख पाते हैं? यार क्यों होता है बताओ? क्या हम लोग सुबह में देख रहे हैं, सॉरी, ऐसा होता है कि यार हम लोग रात में देख पा रहे हैं ऐसा ऑब्जेक्ट को लेकिन सुबह में नहीं देख पा रहे, क्यों 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 ऐसा होता है कि हम लोग रात में ये जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है वो विजिबल होती हैं और डे में नहीं होती? क्योंकि जो सन है उसकी जो लाइट है वो इनको अलाव ही नहीं करती को दिखे। इतनी ब्राइट लाइट होती है सन की, आप भी देखो जब आप सूरज को देखते हो आंखों से तो थोड़ी देर बाद देखने के बाद आपको पूरी आंखें कुछ दिखती नहीं, सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। क्यों? सूरज की जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है, सन के अलावा वो दिखाई नहीं देती, वो विजिबल नहीं होती, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। वही चीज यहाँ भी लिखा है, द सन द मून एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो सन, मून और बाकी जितनी भी ऐसी बॉडीज है जो कि रात में चमकती है, रात के समय चमकती है, उसे क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। तो जितनी बॉडीज होती है जो आसमान में चमकती है, ठीक है, जितनी बॉडी जो आसमान में चमकती है उसे क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे एमिट एंड विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। इमेजिन करो हमारा सन है, ठीक है, इमेजिन क्या करो, सन इज एक्चुअली प्रेजेंट। तो सन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। सन जो है वो गैसेस से मिलकर बना है, ठीक है, और सन जो लाइट है, जो हीट है, वो लार्ज अमाउंट में एमिट करता है, ठीक है, इसीलिए हम सन को क्या बोलते हैं? स्टार, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, उसको हम स्टार का रूप, मतलब स्टार नेम का प्रोवाइड करेंगे। व्हेन वी विल कॉल दैट सम पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी इज स्टार, जब वो हमें बहुत बड़ा दिखा दे, बहुत ज़्यादा गर्म हो, गैसेस से बना हो, खुद की हीट हो उसके पास, खुद का लाइट हो उसके पास, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्टार। जैसे कि हमारा सूरज, हमारे सूरज में सारे गुण मिल जाएंगे, हमारे जो सॉरी जो हमारा सन है उसमें वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग वेरी बिग, फ्रॉम बींग वेरी बिग टू बींग वेरी हॉट, एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो एंड ऑल्सो सन इज मेड अप ऑफ गैसेस, इट हैज़ इट्स ओन हीट, ओन लाइट, एंड द सन एमिट्स इट्स लाइट इन अ लार्ज अमाउंट, कि वो हमारे तक पहुँचती है। सन जो है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, फिर भी उसकी लाइट जो है हमारे पास आती है, ठीक है। तो जो लाइट है वो लार्ज अमाउंट में एमिट कर रहा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जो आपको तारे दिखाई देते हैं रात में वो भी सन की तरह होते हैं, बस जो वो तारे होते हैं वो हमारे अर्थ से वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो हमें बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है, और हम उनकी हीट लाइट को भी फील नहीं कर पाते और इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। मैंने बोला क्योंकि वो हमें हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए जो तारे हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है।
ठीक है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. मैंने बता दिया ये हमसे इतने दूर है कि इसलिए कि इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा छोटे और इनकी लाइट हमें बिल्कुल भी फील नहीं होती. ओके आओ जरा आगे देखते हैं. यू हैव मस्ट नोटिस, सॉरी ओके, तो लिखा है यू हैव मस्ट नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स, यू हैव मस्ट नोबिस नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर वेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. ठीक है, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स वेन इट इज फ्लाइंग फ्रॉम एट अ ग्रेट हाइट. तो तुम अगर अपने छत पे खड़े हो, सपोज दैट ये तुम्हारा छत है और तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारा नाम है बबलू यादव या बबलू, सॉरी सॉरी भाई अगर आप कोई देख रहे हो तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, इसका नाम है विनीत सिंह. कोई विनीत सिंह को भी नहीं बोल रहा, मैं अपने आप को अपॉइंटेड कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये विनीत है और ये एरोप्लेन को देख रहा है. एरोप्लेन बढ़िया है, ठीक है, जैसा भी है बन गया. ये इसको देख रहा है, ये इसको कितनी छोटी दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमारे हाइट से हाइट पे होती है. हम अपने छत से एरोप्लेन देखते हैं, मैं भी अपने छत से एरोप्लेन देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा हाइट पे होती है जिसके कारण वो मेरे को बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई देती है. ठीक है, सेम एज लाइक सेम सिचुएशन गोज विद द स्टार्स. स्टार्स हमें छोटे से दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारे हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है. ठीक है, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म इन डिफरेंट शेप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. तो जब तुम स्टार देखते हो, स्टार्स को जब देखते हो रात में छत पे जाते हो, तो आप नोटिस करते हो कि अलग अलग टाइप के पैटर्न बन रहे हैं. ठीक है, कहीं पे चमच बन रहा है, चमचा बन रहा है, तो कहीं पे लोग बहुत सारी चीज खुद बनाते हैं, चाहे वो पैटर्न बने भी ना, फिर भी कि ये देख भाई ये तो एकदम तेरे जैसा लग रहा है, ये देख चूहा बन रहा है ना, तो ये लोग अपने आप ही वेरियस पैटर्न को फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, तो जो वेरियस पैटर्न जो कि हमें, तो जो वेरियस पैटर्न होता है, ठीक है, जो वेरियस पैटर्न होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन, क्या बोलते हैं. ठीक है, और जो वेरियस पैटर्न है वो बनाता कौन है बेटा, स्टार्स. ठीक है, तो स्टार्स द्वारा बनाए गए वेरियस टाइप के पैटर्न को ही क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन. ठीक है, ऊर्सा मेजर या फिर बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन. एक हमारा जो ऊर्सा मेजर है या फिर उसको बिग बियर कहते हैं, इसी इन्हीं कॉन्स्टेलेशन में से एक कॉन्स्टेलेशन है. ठीक है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि. आपने सप्तऋषि तारे के बारे में बचपन से सुनते हुए आ रहे हो कि सप्तऋषि तारा, सप्तऋषि तारा, सप्तऋषि तारा. ये सप्तऋषि तारा होता क्या है? तो सप्तऋषि तारा सात ऋषि थे हमारे पास, सात ऋषि थे. ठीक है, इनके ही नाम पर क्या सप्तऋषि तारा बनाया गया था. क्या सप्तऋषि तारा, सप्तऋषि जो तारा है इनका, इसका नाम रखा हुआ है. ठीक है, सप्तऋषि इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है. ठीक है, ठीक है, और ये इससे हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं. ठीक है, इससे हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, है कि नहीं? सप्तऋषि तारे से हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं. ठीक है, आओ जरा आगे चलते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि. इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स. सप्तऋषि के नाम से आप समझ गए कि भाई ये तो कुछ स्टार्स का चक्कर है, क्योंकि कॉन्स्टेलेशन पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टेलेशन में तो स्टार्स ही आएंगे, तो स्टार्स ही है. लिखा गया है आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई. अब आपने क्या करना है कि आप अपने किसी बड़े को पकड़ो और उसको बोलो कि लिसन आई वॉन्ट टू सी कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, इन द नाइट स्काई. ठीक है, प्लीज टेक मी टू द स्टेयर्स. ठीक है, सीढ़ियों पे ले चलो और मेरे को सीढ़ियों से क्या दिखाओ, कॉन्स्टेलेशन दिखाओ, या फिर टेक मी टू द रूफ और मेरे को कॉन्स्टेलेशन दिखाओ, मेरे को कॉन्स्टेलेशन देखना है. ठीक है, या फिर मुझे स्टार दिखाओ, बहुत ज़्यादा प्लैनेट के बारे में बताओ. ठीक है, तो पुराने टाइम में मैंने बोला कि लोग इसे डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई करते थे. कैसे करते थे देखते हैं. इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो द पोल स्टार. तो लोग जो है नाइट में डायरेक्शन के लिए भी इसका यूज करते थे. तो एक स्टार है जिसका नाम है पोल स्टार. क्या नाम है? पोल स्टार. और वो हमेशा किधर होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में. क्यों?
क्यों होता है नॉर्थ डायरेक्शन में? नहीं पता, कोई बात नहीं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार। ठीक है, अब इसको हम पता कैसे करें, हाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको? तो जो सप्तऋषि तारा है, ठीक है, सप्तऋषि तारा का जो पॉइंटर स्टार है उसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, एक इमेजिनरी लाइन एक्सटेंड कर दूं वहां से, तो मैं दिखाऊं, तो ये देखो ये लड़की जो है बेचारी, ठीक है, इसके सामने ये सप्तऋषि तारा दिख रहा है, ठीक है, सप्तऋषि है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां से ये जो पॉइंटर स्टार है इससे देख रहे सीधे, इसने एक इमेजिनरी लाइन डिटरमाइन किया, सॉरी बनाया, एक्सटेंड किया ये लाइन, और यहाँ पे मिला इसको क्या, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, अगर ये नॉर्थ है तो साउथ होगा, साउथ है तो ये ईस्ट होगा, ये ईस्ट होगा तो ये वेस्ट होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो लड़की कितनी चालाक है, इसने डायरेक्शन पता कर लिया। अब हमारे पास क्या आता है, वही चीज यहां भी लिखा है, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, लुक एट द फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉइंग ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। ये कहां पॉइंट करेगा, पोल स्टार पे सीधे। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हाइट, ओन हीट, ओन लाइट। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जैसे कि जुपिटर हो गया, जुपिटर इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी, मार्स हो गया, वीनस हो गया, नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, ये सारे भी तो क्या सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बट इट डू नॉट हैव, ओके, इट डू नॉट हैव देयर ओन हीट, ओन लाइट, ठीक है, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ये सिर्फ ये किससे चमकते हैं, जब स्टार्स जो होते हैं वो अपने लाइट को एमिट करती है इनके ऊपर, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसी बॉडीज को क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। सो व्हाट आर प्लैनेट्स, अब क्वेश्चन आगे, व्हाट आर प्लैनेट्स, तो लिखोगे सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब प्लैनेट जो वर्ड है वो एक वर्ड है प्लैनेटिया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है घुमक्कड़, हिंदी में बोलते हो तो घुमक्कड़, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेंडरर्स, ठीक है, तो वेंडरर्स मतलब होता है इस प्लेनेटिया का मतलब, क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स है वो भी क्या मूव करते रहते हैं, ठीक है, तो लिखा हुआ है सेम चीज, द वर्ड प्लेनेट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया विच मीन्स वेंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आर नियर स्टार। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपियर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। देखो तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ के पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं है, है ना, खुद की लाइट नहीं है तो ये अपना लाइट कहां से लेता है, ये अपना लाइट लेता है सन से, ठीक है, क्योंकि सन जो है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, और हमें पता है कि ओनली स्टार्स कैन एमिट लाइट, ठीक है, और देखा होगा कि जो सूरज की रोशनी की वजह से ही हम लोग सुबह उठ पाते हैं, वी आर सुपर नेचुरल, वी आर नॉट सुपर नेचुरल, ओके, देखो ये सब बस प्रभु की कृपा है, मेरा तो ये मानना है, अब जो नहीं मानते भगवान में उनका अलग है। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, जो मून हम स्काई में देखते हैं वो होता है एक सैटेलाइट, ठीक है, इट इज अ कंपेनियन ऑफ आर सैटेलाइट एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक है, ये हमारे एक धरती का ही एक कंपेनियन है, साथी है, जो कि धरती के साथ घूमते रहते हैं, ठीक है। लाइक अवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट लाइट एंड That get heat and light from the sun. Some of them have their own moons too. देखो हमारे अर्थ के साथ साथ सात और प्लेनेट है, तो टोटल 8 प्लेनेट्स हो गए, जो अपना हीट और लाइट सन से लेते हैं, ठीक है, कुछ तक बहुत ज्यादा अमाउंट में पहुंचता है जो हीट और लाइट है, और कुछ तक बिल्कुल कम मात्रा में पहुंचता है। जहाँ पे सबसे ज्यादा पहुंचता है वो है मर्क्यूरी, जहाँ पे सबसे कम पहुंचता है वो है नेपच्यून, है ना। आओ अब सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते, इतना आ गया तो अब क्या एस्टेरॉइड बेल्ट भी हमारे पास, ठीक है, सैटर्न जुपिटर यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज
दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो लिखा है कि जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, इनके पास खुद के अपने क्या एस्टेरॉयड बेल्ट भी है, सॉरी एस्टेरॉयड बेल्ट भी है, ठीक है। इसमें इस बेल्ट में स्मॉल डेब्रीज होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है ठीक है। अब सोलर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द सोलर सिस्टम, सोलर का मतलब समझो, सोलर मतलब होता सोल, सोल मतलब होता सन ऑफ, सोलर मतलब होता है सन, ठीक है, सोल मतलब होता है सन, है ना। तो सोलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, फैमिली ऑफ सन, ठीक है। द सन एट प्लैनेट्स सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स, ठीक है। देखो सन और एट प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स और कुछ अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो कि एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स होते हैं, इनको मिलाकर ही क्या बनता है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में एक पिक्चर दे रखा है, इसमें दिखा रखा है कि कौन सा प्लैनेट है, कितना टाइम लेता है चक्कर लगाने में, रिवॉल्व करने में और रेवोल्यूशन लगाने में, एक बार अपने ऑर्बिट में घूमने में और एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन में और एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, ये सब बता रखा है इस वाले चार्ट में, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आओ जरा नीचे नेक्स्ट पन्ने पे देखो, वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, अक्सर हमें क्या बोलते हैं इसको, सोलर फैमिली। मैंने बोला कि सन है, मून है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्टेरॉइड है और मीटेरॉइड्स है, ये मिलकर क्या बनाते हैं हमारे लिए सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, वी ऑफन कॉल इट एज अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली ही बोलते हैं, जिसमें जो सन है वो हेड है फैमिली का। तो सोल जो है, सोल वर्ड जो है रोमन माइथोलॉजी में इसको बोलते हैं सन गॉड, सूरज देवता, ठीक है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, सोलर का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द सन। तो सोलर सिस्टम मतलब क्या हुआ, फैमिली ऑफ द सन, क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ द सन, ठीक है। इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, है ना। अब सन क्या है, अब सन के बारे में देखते हैं। सन इज अ ह्यूज स्टार, ठीक है। तो लिखा है सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन जो है वो सोलर सिस्टम का केंद्र है। इट इज अ ह्यूज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत बड़ा है और गैसेस से मिलकर बना है। और जो सन है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही इस सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखा हुआ है। अगर बाय फॉर्चून बोल रहा हूँ कि अगर हमारा भाग्य खराब हुआ, ठीक है, अगर हमारा भाग्य खराब हुआ और गलती से इमेजिन करो कि अगर किसी दिन ऐसा हो कि जो सन है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को लॉस कर देता है, खो देता है, ठीक है, तो क्या होगा, वट विल हैपन, सारी चीज़ें अब बूम, पहले सब चीज़ें दूर चली जाएंगी, ठीक है ना। वो सब चीज़ें इमेजिनरी है जो मैं बता रहा हूँ, वैसे प्रैक्टिकल हो तो क्या होगा सोचो। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट प्लैनेट, देखो इतना ज़्यादा हीट है फिर भी हमें इतना फील क्यों नहीं होता, वरना ये बैठा बैठा भी तो जल जाता, वैसे तो अभी ठंड का मौसम आ रहा है बट फिर भी मेरे को जल जाना चाहिए था, क्योंकि यार सूरज जो है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करता है कि कोई भी उसके पास जाएगा तो जल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे नियरेस्ट प्लैनेट होने के बावजूद भी इसके जो डिस्टेंस है हमसे वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है। देखो मैंने कितना बताया, कितना चीज़ें जो है मैंने पहले बता दी बुक में, बाद में बताई गई है, ठीक है। अब प्लैनेट के बारे में पूछ लो, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ऑर्डर में देखा जाए, अगर लाइन वाइज देखा जाए, सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। अब एक एसे की हेल्प से तुम इसको याद कर सकते हो कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, मेरा कुछ और था जब मैं पढ़ता था उसको लिखा था, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सेंड अस नूडल्स, ठीक है। तो एम मतलब हो गया मर्क्यूरी, वी मतलब हो गया वीनस, ई मतलब हो गया अर्थ, एम मतलब मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ठीक है। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. सारे जो planets हैं solar system के अंदर वो
सन के, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड पाथ में, उस पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? उस पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, दीज पाथ आर इलोंगेटेड एंड आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब इलोंगेटेड क्या होता है? तो इलोंगेटेड ऐसा होता है, ठीक है, तो इलोंगेटेड होता है, ठीक है, और इस पाथ को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। तो इस पाथ को क्या बोलूंगा मैं? ऑर्बिट। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन, सबसे पास कौन है? मर्क्यूरी। इसमें 88 डेज लगता है एक राउंड लगाने का अपने ऑर्बिट पे। मतलब अगर ये मर्क्यूरी है, मान लेते हैं कि अगर अगर ये मर्क्यूरी है तो उसको एक बार रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? 88 डेज का, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। वीनस इज कंसिडर एज द अर्थ ट्विन। अब वीनस जो प्लेनेट है उसको अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका साइज है और जो इसका शेप है वो कंपेयर करें, ठीक है, कंपेरेटिवली जो अर्थ है उसके इक्वल है, ठीक है। अगर अर्थ से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ओके, और सिमिलर टू द अर्थ बोल सकते हैं, सिमिलर है दोनों का साइज, शेप और साइज जो है वो अर्थ के जैसा ही सिमिलर है। टिल रिसेंटली, अब तक 2006 तक, ठीक है, प्लूटो को हम एक प्लैनेट बोलते थे कि यार प्लूटो नाम का एक प्लैनेट हुआ करता था, और हम अभी तक सुनते हैं कि प्लूटो नाम का एक प्लैनेट था, और वो कब था? 2006 से पहले। 2006 के बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमियल यूनियन आई थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमियल यूनियन की एक मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग के अंदर प्लूटो है, प्लूटो को बोला गया कि प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, एक्चुअली इट इज अ प्लैनेट एंड इट ऑल इट स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट करता है प्लूटो। तो अगर आप सोचते हो कि यार प्लूटो तो है नहीं, प्लूटो फट गया, सो काइंडली करेक्ट योर सेल्फ, और फटा नहीं है उसको, सिर्फ हमने उसका नाम बदल दिया और उन्होंने बोला एक ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, और बौना नाम को कोई प्लैनेट नहीं होता, इसलिए हम उसको प्लैनेट कंसिडर नहीं करते। और बौना क्यों बोलते? क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है इसे, और मैं छोटा दिखाई देता, छोटा सा, ठीक है। तो प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर एज अ प्लैनेट, हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमियल यूनियन अ डिसीजन टेकन डेट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज साइरस 2003 एंड यूबी डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट ईयर्स मे बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। प्लूटो क्या? एक मिनट, प्लूटो देखो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमियल यूनियन की जब मीटिंग हुई तो उसमें डिस्कस किया गया कि जो प्लूटो है, ठीक है, प्लूटो लाइक द अदर सेलेस्टियल बॉडीज, प्लूटो जो कि बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की तरह, जैसे कि साइरस हो गया और 2003 का UB 3313, ठीक है, डिस्कवर किया गया था उनके जैसा, इनका नाम भी क्या दे दिया जाएगा? ड्वार्फ प्लैनेट। सो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज ड्वार्फ प्लैनेट, ओके। सो अगर आप सोच रहे हो अभी तक कि यार प्लूटो तो फट गया, प्लूटो तो लुप्त हो गया, प्लूटो हमसे दूर चला गया, तो इट्स नॉट लाइक दैट, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ बिफोर टेलिंग एनीथिंग टू एनीवन, बिफोर सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, आई गेस आई मस्ट रीकरेक्ट माय सेल्फ। अब आते हैं अर्थ, ठीक है, लेट्स नॉट गो डीप, अर्थ के बारे में जानते हैं। तो अर्थ के बारे में टोटल ऑल ओवर बताया, तो अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन का और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अर्थ का शेप है जियोइड। अब what is the meaning of geoid? तो geoid मतलब होता है ऐसा शेप, मतलब जो अपने पोल्स से फ्लैटन होता है, अपने पोल्स से जो शेप फ्लैटन होता है उसको बोलते हैं geoid, और geoid का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप, ठीक है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसके ऊपर लिविंग बींग्स रहते हैं, क्योंकि अर्थ ही जो है ऐसे कंडीशन को प्रोवाइड करती है जिसपे लिविंग बींग्स सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो लिखा क्या है तुम्हारी किताब में, वैसे तो यही चीज लिखा है, बट फिर भी Earth is the third nearest planet to the sun. In its size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the pole. This is why the shape is described as a geoid. Geoid means Earth-like shape. Earth जो है तीसरा सबसे पास का planet है, पांचवा सबसे बड़ा planet है, ठीक है। इसके जो poles है वो slightly flattened है ऊपर से, इसीलिए हम इसको consider करते हैं, इसका shape जो है हम consider करते हैं as a geoid. और geoid का मतलब होता है Earth-like shape. Okay? लिखा है कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड
इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को फेवरेबल बनाने के लिए जो कंडीशंस है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर है. अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है. अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल करके अपने आप को अलाइव रख सकते हैं, ठीक है, जिंदा रख सकते हैं. जो एयर है, ठीक है, एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है. इसी वजह से अर्थ जो है क्या यूनिक प्लैनेट, क्योंकि इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है. व्हाई, अगर पूछा जाए कि व्हाई इज अर्थ नोन एज, व्हाई डू वी कंसिडर अर्थ एज अ लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट, लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो तुम क्या कहोगे, क्योंकि इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है. और क्यों एग्जिस्ट करती है वो भी लिख देना, बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड फेवरेबल कंडीशन टू सर्वाइव. वाटर है, हीट है, ना ही ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, ठीक है. तो दिस शुड बी योर आंसर, ठीक है. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज टू थर्ड सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, इज देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. भारत बोल रहा हूँ, अगर तुम अर्थ पे देखो तो उसका 2/3% जो वाटर है, 2/3 भाग जो है, ठीक है, वो कैसा है, 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है. और जब हम इसको स्पेस से देखते हैं, ठीक है, ये हमारा चुन्नू है, अगर वो स्पेस में चला गया और हमारे धरती को देख रहा है तो वो नीली दिखाई देगी. और इसका कारण क्या होगा, क्योंकि 2/3 भाग हमारा कैसा है, पानी से भरा हुआ है, 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है. अब आओ जरा, तुमने लाइट लाइट तो बहुत सुन ली कि सर लाइट है लाइट है लाइट है. अब लाइट की स्पीड क्या होती है, तो लाइट की स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड बेटा, पर सेकेंड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. इतना स्पीड होने के बाद भी जो सन है सन की लाइट को धरती पर आने में 8 मिनट लगता है. इतनी स्पीड होने के बाद भी सन की लाइट को धरती पर आने पर 8 मिनट लगता है. अब मून आ गया. मून से ये बताओ, सबसे पहला पर्सन जो है जो कि मून पे गया था, सबसे पहला पर्सन जल्दी बताओ. ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, पता चल गया, यहाँ से चेप लिया तुम लोगों ने, आई नो दैट, ओके, डोंट प्ले विथ मी. कब लैंड हुए थे, 20 जुलाई 1969 को, ठीक है. अब ये बताओ तुम कि सबसे पहला इंडियन कौन है. फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून. बताओ कि सबसे पहला इंडियन कौन है जिसने मून पे लैंड किया है. क्या इंडिया ने मून पे लैंड किया भी है या नहीं, साथ में ये बताना, ठीक है. मून आ गया. आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, डेट इज द मून, ठीक है, डेट इज द मून. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ. 1/4 मतलब 1/3, ठीक है, हमारे धरती का 1/3 है. इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज द नियरर आवर प्लैनेट देन द सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है. देखो पहले एक बार हिंदी में समझाया था, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा, ठीक है. सबसे पहले ये बताओ कि सैटेलाइट क्या होता है. सैटेलाइट वर्ड आया, हियर केम वर्ड, हमारे पास एक लाइट आया, वी हैव हाईलाइट किया हमें एक वर्ड जो है सैटेलाइट. तो सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे प्लैनेट के साथ साथ ही घूमती है, ठीक है. तो सन है, जो सन है, सन तो स्टार हो गया, लेकिन जो मून है वो एक सैटेलाइट है और एक सैटेलाइट है. अब जो सैटेलाइट होता है वो हमारे अर्थ के साथ साथ ही घूमता रहेगा, ठीक है. इसीलिए 27 डेज में जो ये मून है वो अर्थ के चक्कर लगा लेती है और अर्थ जो है वो खुद का एक रोटेशन ले लेती है, ठीक है. इसीलिए हमें कभी भी नॉर्थ साइड नहीं दिखाई दिया. लेट मी रिकॉल इट फॉर यू, एक बार फिर से बोलने दो, बोर्ड पे समझाने दो. अगर ये मून है और ये सैटेलाइट हमने बोला इसे, तो सैटेलाइट जो होता है वो साथ साथ मूव करता है प्लेनेट के, याद रखना. और जो मून है वो 27 डेज में अर्थ के चक्कर लगाता है. अब अर्थ के ऊपर आते हैं. अर्थ है 27 डेज में एक रोटेशन लगाती है. रोटेशन मतलब अगर ये धरती है तो ये खुद को एक बार घुमा लेगी. बॉल होता है, मान लेते हैं ये है, ये है, ठीक है. रोटेशन क्या हुआ, तो ये यहाँ पे है, देखो रोटेशन क्या हुआ, ये
वापिस जो है ये वाला पार्ट वापिस यहीं पे आ जाए, ये रोटेशन हुआ, एक बार रोटेट हो गया, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, तो 27 डेज में रोटेशन करती है, और दोनों जो कि दोनों का जो रोटेशन डेट है वो 27-27 है, इसी वजह से हमें कभी भी साउथ पार्ट जो है वो मून का कभी नहीं दिखता, साउथ पार्ट जो है मून का वो नहीं दिखता, ठीक है, सिर्फ हमें क्या दिखता है नॉर्थ पार्ट, है ना। आई होप मैंने क्लियर किया हो तुम्हारे डाउट को। अब एक क्वेश्चन, अभी रीसेंट में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा मून के लिए, और वो सक्सेसफुल हो गया, और वो 22 अगस्त को लॉन्च किया था, ठीक है, सॉरी 23 अगस्त को, क्या 23 अगस्त को लॉन्च किया है, और वो चंद्रयान 3 का, सॉरी मैं नहीं बता दिया, ठीक है 23 अगस्त को लॉन्च हुआ। अब ये बताना है जिम्मेदारी की, जिस जगह पर लॉन्च हुआ उस जगह का नाम क्या है, ठीक है, आओ। तो मून है एक ओनली और इकलौता सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है, अर्थ से मून की दूरी है 384,000 किलोमीटर, 384,000 किलोमीटर दूर है हमसे मून, ठीक है। 28 डेज में ये क्या कर देता है, 28 डेज में ये हमारे अर्थ के चक्कर लगा देता है, ठीक है, अर्थ के जैसा चांद के ऊपर रहने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो मून है उस पर एयर नहीं है, मून की ग्रेविटी हमसे कम है ना, ये कंडीशन है जिसकी वजह से हम मून पे नहीं आ सकते। तो आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जो मून है, और जो मून है उसका डायमीटर कितना है, 1/4 ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक तिहाई जो पार्ट है वही हमारे मून का डायमीटर है, मतलब जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/3 पार्ट, ठीक है, अर्थ का डायमीटर कितना है ये बताओ। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये हमें इसलिए इतना बड़ा दिखता है क्योंकि हमारी बाकी सेलेस्टियल बॉडीज से बहुत ज्यादा ही हमारे पास में है, ये हमसे सिर्फ 384,000 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सन, आप कंपेयर कर लो कि हमारी धरती ज्यादा दूर है कि हमारा चंद्रमा, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, मैंने बताया था, अभी बताया द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन, सॉरी द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन द 27 डेज, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू द अर्थ, इस रिजल्ट इसीलिए हमें जो सिर्फ वन साइड है वो मून का दिखाई देता है। मून डज नॉट हैव कंडीशंस फॉर लाइफ, मून के पास कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से उस पर लाइफ हो, इट हैज माउंटेन्स प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, डिप्रेशन मतलब था खड्डे, गड्ढे है इसलिए हम उस पर रह नहीं सकते, अब भाई चलते चलते गड्ढे में गिर गए तो नहीं है। आओ अब ये बताओ, जब आपने एक पिक्चर देखी, ये पिक्चर मैंने दिखाया कि ये देखो ये मून है, अब आपको एक टास्क दिया गया है कि क्या मून ऐसा ही दिखाई देता है रात में, जल्दी बताना, अगर रात में देख रहे हो तो अभी भग के जाओ छत पे देख के बताओ, ठीक है। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, समझ गए, जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, एस अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, इनके अलावा देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, देखो स्टार्स तो मूव, सन तो मूव कर, प्लैनेट तो मूव करते ही करते हैं, ठीक है, कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के चक्कर लगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, अपार्ट फ्रॉम द सन प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देर आर numerous tiny bodies which move around the sun that are called asteroids, ठीक है, तो they are found between the orbits of Mars and Jupiter, ये कहाँ मिलते हैं, Mars और Jupiter के orbit है उनके बीच में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। Scientists are of the view that asteroids are a part of planet that are exploded many years ago, साइंटिस्ट का कहना है कि जो ये asteroid है वो एक किसी planet का ही हिस्सा हुआ करते थे जो कि बहुत सालों पहले फट गए। तो इसके कंक्लूजन दे देता हूँ कि इस वाले में हम एस्टेरॉइड में मैंने क्या पढ़ा, तो मैंने बोला कि स्टार्स प्लैनेट्स सैटेलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमरस ऑब्जेक्ट हैं जो कि सन के चक्कर लगाते हैं, और वे ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही न्यूमरस अमाउंट में मिलता है, ठीक है। साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है कि जो
एस्टेरॉइड से वे कभी किसी प्लेनेट का पार्ट हुआ करते थे जिसके ऊपर कोई ट्रमेंडस कोई बहुत ज़्यादा विपत्ति आने की वजह से ये जो प्लेनेट है वो फट गया है, और फटने के बाद जो उसके मलबे हैं वो अभी तक आसमान में तैर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्पेस में तैर रहे हैं। अब आ गया मीटेरॉइड्स, तो मीटेरॉइड्स भी एक टाइप के पत्थर ही होते हैं, ठीक है। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। और ये भी जो होते हैं वो क्या, ये भी जो होते हैं वो क्या, सन के चक्कर लगाते हैं। समटाइम दीज मीटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप ऑन इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स। अ मीटियर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। लिखा गया है छोटे छोटे पत्थर जो कि सूरज के चक्कर लगाते हैं उसे मीटेरॉइड कहते हैं, और कभी कभी ये पत्थर जो है हमारी धरती की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो ये पत्थर है ये रास्ते में ही जल जाते हैं, और जो पत्थर नहीं जलते जब वो धरती पे गिरते हैं तो क्या कर देते हैं, होलो मतलब खड्डा बना देते हैं, ठीक है। लिखा है कि डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियरी नाइट। देखो लिखा है कि क्या तुमने व्हाइट ब्रॉड बैंड लाइक पाथ देखा है, सफेद पाथ देखा है आसमान में जब रात में पूरी तरीके से, ये हम कब देख सकते हैं, कब देख पाएंगे बताओ, पहले बताओ, अमावस्या के दिन हम इसको अच्छे देख पाए। क्यों? क्योंकि उस दिन चांद नहीं होता, ठीक है, तो उस दिन क्या दिखेगा हमें, बहुत सारे स्टार्स सिर्फ दिखेंगे, और उसी क्लस्टर ऑफ स्टार्स को उस जो आपको दिखेगा व्हाइट पाथ, ठीक है, जो ये व्हाइट पाथ दिखेगा, ठीक है, उसमें मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं बेटा, मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, याद रखना। जो आपको ऐसा दिखे अगर कहीं आसमान में ऐसा कुछ दिखे या किसी को दिखा हो तो बताना मुझे, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ मिलियन एक्साइज मिलियन स्टार्स, ठीक है। ये जो व्हाइट बैंड है इसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी ही वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सोलर सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोटिंग इन द नाइट। हम इमेजिन पुराने एंशियंट इंडिया में क्या देखा जाता था कि भाई नदी की तरह लाइट जो है वो आसमान में फ्लो कर रही है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस। तो एक गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है जिसमें बिलियन ऑफ स्टार्स है, क्लाउड्स है और गैसेज है, ठीक है। देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज मेक द यूनिवर्स। और ऐसे ही बहुत सारे गैलेक्सीज है जो कि एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो एक चीज देखो, हमने कहाँ से चालू किया था, हम एक इंडिविजुअल से चालू किए थे, एक इंसान के रूप में चालू किए थे, हम धरती के बाहर आ गए, सूरज तक पहुँच गए, चांद तक पहुँच गए, फिर सोलर सिस्टम आया हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आया गैलेक्सी आई। कहाँ से, एक इंडिविजुअल था, फिर अर्थ आया, फिर सोलर सिस्टम आई ना, फिर गैलेक्सी आया, ठीक है, फिर क्या आया, फिर यूनिवर्स आया, ठीक है। तो देखो, और इसमें तुम कहो, एक बार एग्जैक्ट करो, ये डॉट दिख रहा है, इससे भी छोटे हैं हम लोग, और हम लोग बोलते हैं कि हमारी औकात तुझे पता है क्या, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ यूनिवर्सेज है जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक इमेजिन करो, आप कितना नंबर इमेजिन कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ गैलेक्सीज होंगे, कर लिया। सो लेट मी टेल यू कि जो आपने इमेजिन किया है उससे भी, उसका 10 times 100 times मिलियन टाइम्स कर दो, इतनी सारी गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, इमेजिन कर लो। और यहीं पे ख़त्म नहीं होती बेटा, यूनिवर्स, सुपरवर्स, फिर मल्टीवर्स, ये चलते जाता है, ये चेन है एक, समझ रहे हो। तो इस वाले में लिखा गया था, अगर मैं आपको समरी दे दूँ कि क्या लिखा गया था इसमें, तो लिखा गया था कि आपने रात में जब आपको सिर्फ स्टार दिखते हैं आसमान में तो आपने देखा होगा एक वाइट कलर का पाथ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, वो, और उस पाथ में मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है, उस पाथ को बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इन एनशियंट टाइम जब आप पुराने समय में जाओगे तो लोग इसको क्या बोलते थे कि यार ये तो एक नदी है जिसमें लाइट तैर रही है, ठीक है, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया आकाश गंगा, ठीक है।
और एक गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी ऐसे सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं और गैसेज होते हैं, उसी का बोला जाता है गैलेक्सी। ठीक है, फिर उसको आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होते हैं, ठीक है, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, आई होप तुम लोग को चैप्टर समझ आया हो, एंड आई गेस चैप्टर यही खत्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर का यहाँ पे एंड हो गया, और मैं आपको एक छोटे से नोट के साथ बोलूंगा कि भाई थैंक यू, थैंक यू। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, उसके बाद तुम शेयर वगैरह जो करना हो कर देना। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।